एपिसोड 65 6-5। एक तनु नामक छद्म रूपधारी मुनि और सुअर रूप में प्रकट होने वाले राक्षस कालकेतु के मायावी षड्यंत्र के फलस्वरूप राजा प्रताप भानु ने भोजन के लिए 100,000 ब्राह्मणों को निमंत्रित किया। राजा के पुरोहित रसोइये के रूप में स्वयं कपटी मुनि ने वेदों में वर्णित 6 रसों से युक्त 4 प्रकार का भोजन बनाया, जिसमें नाना पशुओं के अतिरिक्त ब्राह्मणों का मांस पकाया गया था। ज्यों ही राजा भोजन परोसने लगा कि गंभीर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, यह भोजन मत खाओ, इसको खाने से बड़ी हानि होगी, क्योंकि इसमें ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है। यह सुनकर स्तंभित ब्राह्मण अत्यंत क्रोधित हुए और राजा को शाप दिया कि 1 वर्ष के भीतर वह परिवार सहित राक्षस हो जाएगा। किंतु तभी फिर से आकाश से सुंदर वाणी घोषित हुई कि इसमें राजा का कोई दोष नहीं था, वह स्वयं तो निर्दोष था। यह सुनकर सभी ब्राह्मण चकित रह गए। हर्षेउ पहिचानी गुरु भ्रम बस रहा नचेत बरे तुरत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। नार बनाई झरस चारि विधि जस श्रुति गाई माया में तेहि कीन ही रसो बिंजन बहुगन सकई न कोई। एहा मृगन कर आमिष रांधा देहि महु विप्र मासु फल साधा भोजन कहूं सब विप्र बोलाए पद पखारी सादर बैठाए। एहा परुसन जब ही लाग मही पाला भय आकाश बानी तेहि का विप्र वृंद उठ उठ गृह जाहू है बड़ी हानि अन्न जन खाहू। एहा अयउ रसोई भूसुर मासु सब द्विज उठे मानि विश्वासु भूप विकल मति मोह भुलानी भावी बस न आव मुख बानी। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन विचार जाय निसाचर हो नृप बूढ़ सहित परिवार। छत्र बंधु ते विप्र बोलाई
वाले लिए सहित समुदाय ईश्वर राखा धर्म हमारा। जय हजिते समेत परिवारा संवत मध्य नाश तब हो जलदाता न रही कुल को नृप सुनि शाप विकल अति त्रासा भय बहोरी पर गिरा आकाशा। विप्रहु श्राप विचारिना अपराध भूप कछु कीन्हा चकित विप्र सब सुनि नभ पानी भूप गयउ जहां भोजन खानी तहना असन नहीं विप्र सुवारा फिर उराओ मन सोच अपारा सब प्रसंग मही सुरन सुनाई त्रसित परेउ अवनी अकुलाई भावी मिटई नहीं जदपि न दूषण तोर किए अन्यथा होई नहीं विप्र श्राप अति घोर अस कही सब मही देव सिधाए समाचार पुर लोगन पाए सोच ही दूषण देव ही देही बिरचत हंस काग किय जेही पुरोहित ही भवन पहुँचाई असुर ताप सही खबर जनाई तेही खल जहाँ तहाँ पत्र पठाए सजी सजी सेन भूप सब धाए घेरनी नगर निशान बजाई विविध भांति नित होई लड़ाई जूझे सकल सुभट करी करनी बंधु समेत पर नृप धरनी सत्य के तु कुल को नहीं बाँचा विप्र श्राप किमि होई असाचा रिपुजित सब नृप नगर बसाई निज पुर गवने जय जसु पाई